दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इस एपिसोड में एक बेहतरीन किताब पर चर्चा होने वाली है। उस किताब की भूमिका हिंदी के जाने माने रचनाकार कंवल भारती साहब ने लिखा। पहले वो पंक्तियां सुनाता हूं, उसके बाद किताब और उनके ऑथर उनसे मिलवाऊंगा और उस किताब के बारे में चर्चा करूंगा कि क्या खास बात है उस किताब में। कंवल भारती ने भूमिका में लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा है कि ब्राह्मणों में कोई वॉल्टेयर पैदा नहीं हुआ और वास्तव में नहीं हुआ, परंतु दक्षिण भारत में शूद्र वर्ण में जन्मे रामा सामी पेरियार वॉल्टेयर के सच्चे प्रतिमूर्ति थे। जी हाँ, ये पंक्तियां भूमिका की है और किताब का नाम है पेरियार ईवी रामासामी, भारत के वॉल्टेयर। और किताब लिखने वाले हैं ओम प्रकाश कश्यप साहब। कश्यप साहब इस समय अंबेडकर नामा में मौजूद हैं और पहले उनको बधाई दीजिए कि बहुत ही मेहनत करके उन्होंने लिखा है। पहले हिंदी में दो किताबें छप चुकी हैं, उससे कहां एक डिपार्चर है, किस किस तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है, तमाम बातें इस एपिसोड में होने वाली है। स्वागत है कश्यप साहब आपका अंबेडकर नामा में। धन्यवाद सर, आपका भी और डॉक्टर लाल रत्नाकर का भी, जो मुझे मौका मिला। और मैं तो ये कहूँगा कि अच्छी बात है जो इस तरह की मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ। मेहरबानी। आपने अंबेडकर नामा पहले कभी देखा है? कई बार देखा है, अच्छा, कई चलिए, बार तो देखता रहा हूँ। जी हमारी एक परिपाटी है कि इनिशियल इंट्रोडक्शन देने के बाद पूरा जी फ्लोर आपको दे दूंगा, आपको जो कहना है वो आप कहते रहिए। इससे मैं पहले थोड़ा आपके सा जी 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 मैं ये बताएं। कहना चाहता हूँ मैं पीछे ये कहना चाहता हूँ मैं पहली बार बैठा हूँ ऐसी जगह पर, और मैं जी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी नहीं जाता, अच्छा, तो कोई इसलिए बात नहीं, हो सकता है ये आपका सबसे वीक एपिसोड नहीं साबित नहीं हो। ये आपका हाँ मंच है, जो मर्जी आप, आपका क्लासरूम है, मंच है। हमारे दोस्त जी 1,90,91,000 लोग सुनते हैं इस पे अंबेडकर नामा पे, तो जी जुड़े हुए हैं और काफी लोग जी सुनते हैं। तो आप जी किताब में क्या लिखे हैं, कहाँ से सोर्स मटेरियल इस्तेमाल किए, यही सब पे चर्चा करूंगा। और जी क्या बाजार में उपलब्ध है? आपसे पहले चंद्रिका जी प्रसाद जिज्ञासु ने पेरियार ईवी रामासामी नायकर पे किताब वो लिख चुके हैं। उसके जी जी बाद पेरियार के प्रतिनिधि विचार प्रमोद रंजन जी ने छापा था राजकमल से, मेरे पास है। जी जी आपने जी जी जो लिखा है किताब, इन दोनों किताब से कैसे डिपार्चर है, कैसे डिफरेंट है? इसका बेसिक कारण कि वो जो लिखे थे उसमें मेरे भी कुछ आर्टिकल्स थे ट्रांसलेटेड, चार या अच्छा, पांच आर्टिकल थे दोनों किताबों में, और वो केवल उनके भाषणों के अनुवाद थे, उसमें उनकी ओके, बायोग्राफी नहीं थी, उसमें उनके आंदोलन के बारे में कुछ नहीं था, उन्होंने जो संघर्ष किया उसमें वो नहीं था, केवल एक तरह से वो विचार थे। इस किताब में पेरियार के जीवन को लेकर, उन परिस्थितियों को लेकर, दक्षिण भारत में उस समय हिंदुओं की, खासकर नॉन ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी, उन सबको लेकर ये है। और पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन के क्या क्या स्टेज रहे, उनको कहाँ कहाँ चुनौतियां मिली, उन्होंने उनको किस तरह से निपटा, ये सब चीजें इस किताब का बड़ा हिस्सा है, और इसीलिए इसको एक तरह से कह जी आप तमिल जानते हैं? मैं तमिल नहीं जानता। तो जो सोर्सेस का जो कलेक्शन जो आपने लिखा है वो जी इन अंग्रेजी सोर्सेस पढ़ के लिखा है या कैसे? जी वो ज्यादातर किताबें पेरियार की, जो अच्छी किताबें हैं, आजकल हिंदी में बहुत शोध हुए हैं, अंग्रेजी में जो है उनके बहुत शोध हुए हैं, हिंदी में मटेरियल नहीं है लेकिन जी अंग्रेजी में उन पर बहुत शोध हुए हैं, और खासकर साउथ इंडियन की जो यूनिवर्सिटी है साउथ इंडिया की, वो तो जी लगातार काम करे, उन सब के शोध पत्र अवेलेबल हैं। कुछ किताबें थी जो अंग्रेजों ने, कई लोगों ने लिखी हैं, बहुत अच्छी किताबें थी, वो सब चीजें थी। और खुद पेरियार का अपना लिखा भी है, उनके अपने ब्लॉग्स भी हैं, खासकर बॉर्डर रेसलिस्ट है जो उनका जो ब्लॉग है, वहां पर अच्छी सामग्री, पेरियार के पूरे भाषण भी अवेलेबल होते हैं, उनकी बायोग्राफी भी है, बल्कि शायद तो इंडिया का शायद ही कोई ऐसा मंच होगा या प्लेटफॉर्म हो इसके पेरियार के बारे में पर्टिकुलर सारी जानकारी उपलब्ध ना हो, तो हिंदी में हमें बड़े ही लगता हो कि पेरियार को लेकर कम से कम जानकारी है, बहुत कम जानकारी है, लेकिन अंग्रेजी में इतने इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि हमें किसी भी नए लेखक को कोई असुविधा नहीं होगी इसे काम करने में, तो ये खासकर माना मेरे जाए जैसे। कि हिंदी पट्टी में, हिंदी जगत में ये पहली ऑथेंटिक बायोग्राफी है पेरियार साहब की, क्या कह सकते हैं सर, कह आपने जो लिखा है सकते, उसमें कहीं अंबेडकर का जिक्र आया है? कई बार आया है, कई अच्छा, जगह आया है जी, पेरियार
पेरियार ने खुद उनको अपना गुरु माना और ये सब चीजें इसमें है। वार्तालाप है, मैंने पढ़ा है कि वो मद्रास में इनकी एक मीटिंग हुई थी 1944 में। 1944 में हुई थी, बॉम्बे 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 में भी हुई थी और बॉम्बे में खुद पेरियार गए थे अंबेडकर साहब से मिलने, और उस समय जो थे जिन्ना साहब भी थे मौजूद। तो जिन्ना साहब बेसिकली उस समय बात चल रही थी कि पाकिस्तान के पार्टीशन की भी उस समय हुआ नहीं था और सैद्धांतिक रूप से मंजूरी नहीं मिली थी, और ये भी चाह रहे थे कि अगर ये हमारी बातें नहीं मानती है सरकार, गैर द्रविड़ों को पूरा अधिकार नहीं देती है, तो हमें सब जो द्रविड़ नाडु जो स्टेट है उसकी मांग करनी चाहिए। और इसके लिए वो उसके समर्थन के लिए वो जिन्ना से मिले थे, अम्बेडकर साहब से मिलने के लिए वो बॉम्बे भी गए थे, और वहां पर उस समय उनकी जो थी कोई सैद्धांतिक सहमति शायद उस पर नहीं मिली थी, क्योंकि अम्बेडकर साहब शायद नहीं चाहते थे कि देश का एक और विभाजन हो, क्योंकि पाकिस्तान की बननी थी जिस धर्म के आधार पर था वो तो अलग, लेकिन वो अपने आप को गुरु मानते थे और ये कई जगह उन्होंने माना भी है अम्बेडकर साहब। अच्छा, को पेरियार किताब बाजार में उपलब्ध है और अमेजन ऑनलाइन भी उपलब्ध है? ये सर अमेजन पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, मीशो पर अवेलेबल है, उर्दू बाजार पर अवेलेबल है, मतलब कई ऐसी साइट हैं जो इसे बेच रहे हैं। दोस्तों किताब का नाम सुन लीजिए, पेरियार ईवी रामास्वामी, भारत के वॉल्टेयर ओम प्रकाश कश्यप साहब ने लिखा है, और ऑनलाइन जितना वो नाम कर रहे हैं सब जगह अवेलेबल है, अब जाके वहां पे ये किताब मंगवा सकते हैं। और कश्यप साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो किताब हमें भी अम्बेडकर नामा के पास भेजे ताकि पढ़ा जाए और लोगों को सुनाया जाए उसमें से पढ़ पढ़। निश्चित रूप से आपके प्रति मैं आज भी लाया था और वो आपके पास में पहुंच जाएगी। अच्छा, ये कश्यप साहब पूरी किताब कितने पेज की है, कितना मूल्य है, कितने चैप्टर्स हैं? नहीं, मैं इसमें चैप्टर तो टोटल 11 है सर, ठीक है, 11 चैप्टर्स हैं, 606 पेजेस हैं, इसके दो जो डिवाइस जो साइज है जो हार्ड बाउंड साइज है उसकी 1375 कीमत है, और जो पेपर बैक आपके पास है तो दिखाएंगे दिखाएंगे जरा जी, ये देखिएगा, ये पेपर बैक है कि हार्ड बाउंड है? ये पेपर बैक है, ये पेपर बैक कितने की है? 595 रुपए की, 606 पेज की। अच्छा, 606 पेज की, 595 रुपए की जी। और इसका बैक कितने की है? 1375 रुपए की। अच्छा, चलिए तो दोस्तों से आग्रह करूंगा कि अगर जिनकी दिलचस्पी पेरियार को ऑथेंटिक रूप से जानने में हो वो जरूर मंगवा कर देखें। अब मैं आता हूं कंटेंट्स पे, 11 चैप्टर आपने डाले हैं, क्या उनके जन्म से लेकर और पूरा एक पूरी कंप्लीट बायोग्राफी मान ली जाए इसको? निश्चित रूप से, क्या क्या है इसमें कुछ दिलचस्प जानकारियां? दिलचस्प जानकारी तो वह है कि कोई भी अगर जो दलित या पिछड़े वर्ग का था, जातीय शोषण के इसके समाज से लेकर जो गुजरना पड़ता है किसी भी आदमी को, जो वो चीजें पेरियार, हालांकि बहुत पूंजीपति परिवार से थे, बड़े सेठ परिवार से थे, अच्छी खासी आमदनी थी, उसके बावजूद उन्हें जो है वो जातीय शोषण का शिकार होना पड़ा था, वो अपमान स्कूल में भी उन्हें झेलना पड़ता था, वो अपमान उन्हें जगह जगह झेलना पड़ता था, स्कूलों में भी समाज में भी, और वो चीजें बलिगा जाती थी उनकी, बलिगा नायडू, और इसको नायकर उनका गोत्र था, तो वो बेसिकल मूल रूप से तो कन्नड़ के मूल के थे, जो बलिगा नायडू जाती है वहीं पर है, लेकिन ओबीसी में आती है वहां भी, और नायकर उनका गोत्र नाम था ये, लेकिन ये गोत्र नाम इन्होंने सेल्फ रेस्टर मूवमेंट की स्थापना के तुरंत बाद अपनी जाति और गोत्र नाम दोनों त्याग दिए थे, और फिर पेरियार जो उपाधि जो थी महिलाओं ने दी थी 1938 में, तू उसके नाम को पहनाए जाने लिए। और कुछ दिलचस्प जानकारियां दीजिए, किताब में क्या क्या लिखा है आपने? फ्लोर आपका है, जितना मर्जी है बोलिए, टाइम की पाबंदी नहीं है। खैर, मैं कुछ चीजें बताता हूँ सर, इनके जो है इनके स्कूल के जैसे कुछ शोषण के जो जातीय शोषण का आधार पर, जैसे कि स्कूलों में भी एक घटना हुई थी राजस्थान की हुई थी, जहाँ घड़े से पानी नहीं पीने पर एक बच्चे को मारने की स्थिति मार दिया गया और उसकी हत्या हो गई, ये चीजें इनको भी थी, तो होता यह था कि पानी पीने के लिए जाते थे और स्कूल में पानी इन्हें जो है पीने नहीं दिया जाता था, तो फिर क्या करते थे कि इनको ये बताया गया था कि पर्टिकुलर जो है घर से ये पानी ले सकते हैं, वहां उस घर में वहां जाने पर भी जो घर था वहां एक लड़की जो थी उन्हें पानी पिलाती थी, और उन्हें बर्तन छूने की आजादी नहीं थी, वो लड़की अपना लोटा लेकर आती थी और ऊपर से पानी डालती थी,
तो पेरियार ने खुद अपनी जीवनी में लिखा है कि भाई वो जब मैं पानी पीता था तो वो मेरी जो है गले में जो है अटक जाता था, गले में चला जाता, तो मैं पी भी नहीं पाता था। तो ये जानकारी थी। कांग्रेस में जब गए तो कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जब भी बुलाया गया तो उनके सब वहां भी जाति का जो है इन्हें देखना पड़ा कि एक जगह खाना खाने के लिए बुलाया कांग्रेस के बड़े नेता ने इन्हें, तो ये जो है उनके घर पर वो पत्तल जो थी पत्तल पे इन्हें परोसा गया और वो पत्तल जो उठाई नहीं थी। अगले दिन फिर उन्हें उसी जब शाम का सुबह का खाना आ गया तो फिर वही उन्हीं पत्तलों के बीच क्योंकि उठाने वाला कोई था ही नहीं नीचे इनको जब कौन उठाएगा, तो फिर उनको उन्हीं पत्तलों पर जो है खाना पर उसी जगह पर उन्हीं पत्तलों के बीच खाना परोसा गया। एक बार ये काशी पर गए, काशी का सबसे बड़ी इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना जिसे हम इनके टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं 1904 की घटना है। तो ये दो दिन के साथ दो ब्राह्मण साथी थे और तो दो ब्राह्मणों को लेकर युवक थे इनके साथ में, चूंकि पैसे वाले थे तो उनको अपने किराए पर लेकर जो है वाराणसी तक गए और वाराणसी में जो थे इनको जो है इनके पास पैसे चुक गए, चूंकि वो दोनों ब्राह्मण जो थे अलग हो गए बिल्कुल अलग, इनके पास भोजन की दिक्कत थी बहुत ज्यादा, खाना कैसे खाया जाए, पैसे खत्म हो गए थे। तो इन्होंने जहाँ पर जो थी जो चीज क्या बोलते हैं भंडारे चल रहे होते हैं वहाँ उन्होंने खाने के लिए गए, ये तो वहां पर इनको कहा कि जो है ये यहाँ पर गए ब्राह्मणों को खाना नहीं मिलता है। पेरियार यूं चौंके कि वो जो 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 भंडारा था ये चैरिटी की जो चलाई जा रही थी वो नॉन ब्राह्मण के उससे चलाई जा रही थी, जो उसके वहाँ के द्रविड़ थे तमिलनाडु के ही उनके पैसे से चलाई जाती थी। बोले कि यहाँ पर अगर दक्षिण भारतीय कोई खाना नहीं है फिर तो हमारे लिए क्या होगा। तो खैर उसके बाद में जो सब उससे बड़ी और त्रास दी थी इन्होंने के पास में क्या हुआ, क्या भूख ज्यादा लग रही थी भी किस तरह जिया जाए किस तरह किया वक्त बिताया जाए। तो फिर ये किसी जो आश्रम में इन्होंने सोचा कि भाई मैं जो ब्राह्मण के रूप में खुद को पेश कर देता हूँ, तो उन्होंने झूठ मूठ करके एक आश्रम में गए और वहां इनको जो है ब्राह्मण अपने आप को बताया ब्राह्मण, लेकिन वहां पर जो है बताते मूछे नहीं रखते होंगे ब्राह्मण उस समय, अब तो शायद मैंने देखे एक दो रखते, तो इनको मूछों के कारण जो था इनको पहचान लिया गया और फिर इनको बेइज्जत करके निकाल दिया गया। तो उस समय वहां से भूख के बारे स्थिति ये बनी कि ये जो एक खाना इन्होंने वहां खाया जहाँ जो आश्रम का जो गंदा खाना होता है जो उच्छिष्ट खाना होता है उसको, और वो यहाँ तक लिखते हैं कि वो वहां पर कुत्ते भी वहीं खा रहे थे और भूख मिटाने के लिए मुझे भी उसी स्थिति में खाना पड़ा। तो उस दिन के बाद फिर उन्होंने तौबा की कि भाई मैं अब इस धर्म में, उसके बाद सारी की सारी जो चीजें थी उनका मन चट गया और खासकर काशी में जो उन्होंने देखा जो इससे और ज्यादा वृद्धि, क्योंकि जो काशी इतनी पवित्र नगरी धर्म की मानी जाती थी वहां पर जो गए उन्होंने देवदासियों का बुरा हाल देखा, धर्म के नाम पर पूरी की पूरी ठगी देखी। तो शुरुआत उनकी जो थी हिंदू धर्म, हिंदू बिल्कुल आस्तिक थे शुरू में, पूरा परिवार इनका वैष्णव था, लेकिन उसके बाद उनकी हिंदू धर्म से लगातार जो है जो मोह भंग होता चला गया। और वो उस फिर जो है उस हालांकि 1927 तक ये खुद को आस्थावादी कहते रहते हैं, पर उसके बाद 1900 जब इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की तो फिर टोटली ये नास्तिक हो गए। नहीं तो ये आंदोलन जो उनका सांस्कृतिक आंदोलन है सामाजिक सांस्कृतिक, क्या क्या किया उन्होंने ये जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ इसमें कि पेरियार आंदोलन से पहले 1921 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे 1919 में, और 1921 के लेकर 19 उस समय ये 24-25 पदों पर थे जो सोशल पद होते हैं पूरे रोड में, तम प्लेग में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इस समाज में बहुत अच्छी इज्जत थी। तो इन्हें जो है जब लगे तो इसमें कांग्रेस में जाने के बाद ये चाह रहे थे, तो गांधी जी कहते तो हैं कि हम प्रतिनिधि हैं दलितों के भी हैं हम शूद्रों के भी प्रतिनिधि हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि कांग्रेस में जो कम से 50% जो पद हैं वो जो है इनके लिए नॉन ब्राह्मणों को मिलने चाहिए। उस समय तमिलनाडु की स्थिति ये थी कि तमिलनाडु में कुल 16 जो थे जिलाध्यक्ष थे और 16 में से 15 पर ब्राह्मण विराजमान थे और एक पर मुस्लिम विराजमान थे। तो ये चाहते थे कि बस कम से कम कांग्रेस अपनी नीति पर, कांग्रेस 50%, तो जब भी वार्षिक सम्मेलन होता वो हर बार अपना एजेंडा बिछाते थे 1920, 21, 22, 23, 24 और 25 हर साल वो अपना एजेंडा लेके गए भी कांग्रेस अपना रिजर्वेशन का, हर बार इन्हें आश्वासन दिया जाता और हर बार जो है इनको जो है टरका दिया जाता किसी न किसी।
1925 में जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था उसमें तो स्थिति बिल्कुल ये हो गया था, इनसे ये कहा गया कि भाई तो आप जो है 30 आदमियों के दस्तखत लेकर आओ, तब हम आपके जो इस मुद्दे को 50% रिजर्वेशन वाले को इसमें रखेंगे, जो है इसके कांग्रेस में विचार अर्थ करेंगे, इस पर विचार करेंगे। तो वो पैरियार ये बताते कि मैंने एक रात के भीतर 50 आदमियों के 30 की जगह 50 के सिग्नेचर ले लिए, और जब मैं अगले दिन गया तो तुरंत मुझे मना कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने उसी समय वो कांग्रेस की सोच छोड़कर निकल आए, और फिर उन्होंने जो गैर ब्राह्मण थे उनका अलग से सम्मेलन किया और कांग्रेस की शुरुआत हो गई। उसके तब ये जो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में जाते हैं और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना करते हैं 1926 में। कुछ लोग इसको लेकर थोड़े से अलग अलग मतभेद है। कुछ कहते हैं कि जो कुदी अरासू इनका अकबर अखबार था 25 मई, उस तारीख 1925 से इसकी जो स्थापना मानी चाहिए। लेकिन जो जो मुर्गेशन है जिन्होंने एक किताब अच्छी लिखी है इनको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट सब्जेक्ट से लेकर, उनका ये मानना था कि आंदोलन मूलतः 1926 में शुरू हुआ था, और इसमें मैंने पूरी किताब में पूरा इतिहास दिया और उन स्थितियों को भी बताया कि जिस तरह इस आंदोलन को बताया जो स्थापना हुई थी। तो इसमें बेसिकली इनका ये था कि जो अच्छी चीज थी ये थी कि कोई भी मंदिर में नहीं जाएगा, कोई जाति भेदभाव नहीं करेगा, नाम के आगे कोई भी अपने टाइटल नहीं रखा लगेगा, जाति सूचक टाइटल नहीं लगेगा लगाएगा, शादी विवाह में पुरोहित की बिल्कुल जो है मनाई होगी, कोई भी उसको चंदा दान नहीं देगा, और जो चंदा जा रहा है वो चंदा जो उसका जो ज्यादा से ज्यादा जो इस्तेमाल होगा वो उसके लिए होगा जो एजुकेशन के लिए, शूद्रों के लिए, इन सब के लिए एजुकेशन में इस्तेमाल होगा। तो ये आंदोलन के साथ में जो जहरी उसी समय कांग्रेस में एक मनमुटाव का एक कारण और भी था जो बहुत बड़ा कारण था, वो ये था कि एक स्कूल था जो है गुरुकुलम का कांड था जो इनको अलग किया। गुरुकुलम का कांड में जो थे 10 कांग्रेस के से चंदा दिया था 10,000 रुपये, उसमें ब्राह्मण और सबको ये था कि शिक्षा देगा, आधुनिक शिक्षा दी जाएगी लेकिन भारतीय संस्कारों के हिसाब से। तो उसके कोई नैयर साहब थे, बीवी नैयर साहब, वो उसके जो हेड मास्टर थे, उसके देखभाल करते थे, उनके जो प्रिंसिपल थे, तो उन वो जो करते थे नैयर साहब, उसे कांग्रेस ने उनको 10,000 रुपये का चंदा मंजूर किया। इनके पास एक शिकायत आई और वहाँ वो शिकायत जो थी वो गैर ब्राह्मणों की थी, बच्चों की थी, और उन्होंने ये बताया था कि हमारे साथ में जो है भेदभाव किया जाता है, वो खाने से लेकर और किताबों तक उनको जो अलग खाना तरह का खाना दिया जाता था, ब्राह्मण स्टूडेंट्स को अलग खाना दिया जाता था। तो पेरियार को ये बहुत चुभा, उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने जो उनकी जो थी 10,000 रुपये कांग्रेस ने कहा था कि हम अगली किस्त 5,000 रुपये नहीं देंगे जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी। पर वो जो थे बीबी अय्यर जो साहब थे वो उनसे उनके जो इनसे संबंध उनके बहुत अच्छे थे, और उन्होंने फिर जो कांग्रेस ने इनके बिना बताए वो जो थे 5,000 की रकम ले ली, उनसे जो रिलीज करा ली। पेरियार को बहुत बुरा लगा कि बिना उनके, चूंकि वो एक बड़े सिग्नेटरी थे, उनके बिना संज्ञान के दे ही नहीं सकते थे, लेकिन वो दे दिए। तो उन्हें लगा कि ब्राह्मण सब जगह एक जैसे हैं और वो अपने मुद्दे के लिए सब एक हो जाते हैं। ये बड़ी घटना वहां की रही। खैर फिर उसके बाद उन्होंने जो दूसरा किया इसके साथ, स्कूल के साथ, गुरुकुलम के साथ, बड़ी त्रासदी ये थी कि उसको जितना चंदा जाता था वो सारा का सारा गैर ब्राह्मण तमिलों का जाता था, जिसमें जो है मलेशिया के और उनके वहाँ के बहुत सारे जो लोग थे। तो पेरियार ने तुरंत उसके बाद यात्राएं शुरू करी और उन्होंने ये सारी स्थिति बताई, फिर चंदा उनको जाना जाना धीरे धीरे उन्होंने कम कर दिया। और एक जो जो काम पेरियार साहब ने किया जी, चंदा नहीं देंगे, पुजारी नहीं बुलाएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, वो सब अभी भी तमिलनाडु में जारी है। तमिलनाडु में मुझे लगता है कि अभी भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो उन्होंने ये बाद में ये कहा कि उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी काम की धर्म नहीं धंधा है, कहने के पुजारी का जो काम है वो धर्म जो है, मंदिर में पूजा पाठ कराना पुजारी का धर्म नहीं है, वो धंधा है। तो पेरियार ने भी ये उन्होंने कहा भी अगर धंधा है तो इसमें सबको समान हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो वो उनके टाइम में उन्होंने वो लगातार ये मांग करते हुए आ रहे थे कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनमें हमारे अर्चक भी, गैर ब्राह्मण समाज के अर्चक भी वो जो है मंजूर होने। खैर कि उस समय तो स्थिति ये बनी कि जब तक पेरियार थे 1977 में, उन्होंने हाई कोर्ट तक उस समय बेन हो चुका था, लेकिन अब हालात उसके उसके बाद ऐसा हो गया है कि अब वहां पर जो गैर ब्राह्मण अर्चक भी
ब्राह्मण पुजारी भी, जिसमें लेडीज भी अब शामिल हो गई हैं, वो भी वहां लिए जा सकती है, और वो उनकी बड़ी उपलब्धि है। चलिए शुक्रिया सर, और अपने दोस्तों से मैं आग्रह करूंगा कि कश्यप साहब ने बहुत ही मेहनत करके ये बायोग्राफी पेरियार का हिंदी में तैयार किया है, अगर संभव है तो आप जरूर मंगवाइए, पढ़िए, मैं भी इस पूरी किताब को पढ़ने वाला हूँ। शुक्रिया शुक्रिया सर, और आपसे दोस्तों पूरा वीडियो सुनिए और सुनाते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय धन्यवाद सर।